नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। कश्मीर घाटी में लॉकडाउन को 12 दिन हो गए हैं, लेकिन कई पार्टियों के नेता अभी भी गिरफ्तार हैं। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया था, जो अभी भी गेस्ट हाउस में नजरबंद हैं। और इसी बात से भड़की महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा जावेद ने एक वॉयस मैसेज जारी किया है। उसमें उसने कहा है कि उसे भी हिरासत में लिया गया और उसे धमकी दी गई कि अगर उसने दोबारा मीडिया से बात की तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इल्तिजा ने कहा कि उसने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है। जावेद ने गृह मंत्री को लिखे खत में कहा है कि आज जब बाकी देश भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, कश्मीरियों को जानवरों की तरह कैद करके रखा है और बंद लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करके रखा गया है। जावेद ने आगे कहा है कि मुझे भी हिरासत में लिया गया है और कहा गया है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मैंने मीडिया से बात की थी। प्रतिबंध से कश्मीर और आम कश्मीरियों की स्थिति बहुत खराब है और कश्मीरियों को बहुत तकलीफें सहनी पड़ रही हैं। मुझे खुद धमकाया गया है, अगर मैंने दोबारा मीडिया से बात की तो इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। मेरे साथ अपराधी की तरह सलूक किया जा रहा है और मुझ पर लगातार पुलिस द्वारा निगरानी रखी जा रही है। जिन कश्मीरियों ने कश्मीर के हक में आवाज उठाई है, उनके साथ मैं भी जान का खतरा महसूस कर रही हूँ। यहाँ पर एक बात बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला को पहले ही नजरबंद किया गया था, लेकिन हालात बिगड़ने के डर से पुलिस ने बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और तभी से उन्हें श्रीनगर में गेस्ट हाउस में रखा गया है। इल्तिजा ने इससे पहले भी व्हाट्सएप पर अपना बयान जारी करके कहा था कि दो दिन से उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। यहाँ ऐसे हालात कर दिए गए हैं कि किसी को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, यहाँ मास हाउस अरेस्ट किया गया है। मैं चाहती हूँ कि मीडिया को पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हमारे गृह मंत्री गलत बोल रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला और बाकी नेताओं को नज़रबंद नहीं किया गया है। बिल्कुल नज़रबंद किया गया है। सज्जाद लोन, इमरान अंसारी, मेरी माँ और उमर अब्दुल्ला को हिरासत में लिया गया है। ये बात तब की है जब अभी 370 हटा नहीं था। लेकिन यहाँ एक बात बता दें कि पिछले 12 दिनों से, जब से 370 के अभिशाप से कश्मीर को आज़ादी मिली है, तभी से वहाँ पर शांति है। लेकिन कश्मीर के हालात बिगाड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी नेताओं को दर्द हो रहा है और कश्मीरी नेता ही सबसे ज़्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं। बाकी जनता मज़े में है, इसका नमूना पूरी दुनिया देख चुकी है। ईद की नमाज शानदार और शांतिपूर्वक मनाई गई, लेकिन घाटी के हालात को बिगाड़ने के लिए ये नेता छटपटा रहे हैं और कश्मीर को लेकर प्रोपोगंडा फैलाना चाहते हैं। और इन्हीं की तरह एक और मक्कार इमरान खान और उसकी जनता, वो भी पीट पीट कर सीना कह रही है कि कश्मीर में कश्मीरियों को कत्ल किया जा रहा है। लेकिन दुनिया इसकी मक्कारी और झूठ का भरोसा नहीं कर पा रही, क्योंकि इससे पहले ये इतना झूठ बोल चुके हैं कि अब दुनिया और दुनिया के लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि झूठ बोल रहे हैं या सच। श्री अमित शाह जी, टू मेव मोशन फॉर कंसीडरेशन ऑफ जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा राज्यसभा द्वारा पारित करने के लिए विचार किया जाए और विधेयक को पारित किया जाए। शुरू में आप कुछ कहना चाहते हैं? महोदय, मैं जो दो बिल लेकर आया हूं, दोनों बिलों के लिए संक्षिप्त में पहले बिल लाने के कारण और क्या परिस्थिति हुई कि सरकार को ये बिल लेकर आना पड़ा, वो सदन के सामने रखना चाहूँगा। महोदय, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में जो बिल 2004 में जो संशोधन लेकर मैं सदन के सामने आया हूँ, उसके बारे में कहना चाहता हूँ। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल 2004 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत सीधी भर्ती, प्रमोशन, प्रोफेशनल कोर्स
और शिक्षा के अन्य कोर्स में 43% वर्टिकल आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके अंदर अनुसूचित जातियां 8%, जनजातियां 10%, पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को 20%, कमजोर और निर्धन वर्गों के लोगों को 2% और वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों के लिए 3% रिजर्वेशन का प्रावधान है। अब जो 3% रिजर्वेशन LOC पर किया गया है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं किया गया। महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर, तीनों क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं इनकी हार्डशिप एक समान है। तीनों की उस और पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सेना बार बार संधि का भंग कर कर गोलीबारी करती है, सेल लगाती है और उसके कारण कई बार इन लोगों को, वहाँ के रहने वालों को बंकर के अंदर रहना पड़ता है। दिनों दिनों तक स्कूलें बंद हो जाती हैं और इसके कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। इंटेलिजेंस का लेवल ठीक होने के बावजूद अगर सातत्य नहीं रहता है शिक्षा में तो उसके परिणाम पर इसकी असर पड़ती है। महोदय, LOC और LAC के लिए तो ये 3% आरक्षण का प्रावधान पहले से किया गया है, मगर इंटरनेशनल बॉर्डर जो जम्मू के 3 जिलों को छूती है वहां पर ये प्रावधान नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के 3 जिलों के रहने वाले सभी लोगों को लगता था कि हमारे साथ अन्याय है, जम्मू और घाटी के लोगों के साथ भेदभाव किया गया है। ये भावना बहुत तीव्र थी। आजाद साहब जम्मू से ही आते हैं, उनको भी मालूम है। बहुत सारे लोग जो वहाँ की स्थिति को जानते हैं उनको भी मालूम है और सदन के भी कई सदस्य वहाँ की परिस्थिति से जो परिचित है वो सबको मालूम है कि अन्याय जो हो रहा है इसकी इनकी भावना दिन प्रतिदिन तीव्र होती जा रही है। इसीलिए एक अध्यादेश लाकर ये सुधार किया गया कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी लोग रहते हैं इनके बच्चों को भी शिक्षा में और नौकरियों में दोनों क्षेत्रों में 3% जो आरक्षण दिया है इसमें समाहित किया जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा अस्तित्व में नहीं है तो विधानसभा के कानून पारित करने के सारे अधिकार संसद के दोनों सदनों में निहित है, इसलिए संसद में ये बिल लाना जरूरी था। मैं इसीलिए ये बिल लेकर आज सदन के सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये बिल के कारण महोदय कठुआ जिले के 70 गांव, सांभा जिले के 133 गांव और जम्मू जिले के 232 गांव के बच्चों को इन सुविधा के अंदर समाहित किया जाएगा। कुल मिलाकर 435 गांव के 3,50,000 की करीब आबादी को इसका फायदा होगा और मैं मानता हूँ एक बहुत समय से, लंबे समय से विसंगतता एक एनोमली चली आ रही है, आज इस सदन इस बिल को अपने आशीर्वाद दे दे तो ये विसंगतता का अंत आ जाएगा और वहाँ के बच्चों को भी अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम मदद कर पाएंगे। इसलिए मैं सदन के सभी सदस्यों को अनुरोध करता हूँ कि इस बिल का सदस्य समर्थन करें और जो लंबे समय से 3 जिलों के बच्चों को अन्याय हो रहा है इनको न्याय देने में हम मदद रूप हों। महोदय, दूसरा बिल मैं लेकर आया हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन की अवधि और रिजर्वेशन प्रस्ताव है, प्रस्ताव लेकर आया हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन की अवधि कल समाप्त हो रही तो इसको और 6 माह के लिए बढ़ा जाए। महोदय, 28 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन को लोकसभा ने पारित किया, 3 जनवरी को राज्यसभा ने पारित किया तो 3 जुलाई को इस 2 जुलाई को इसकी अवधि समाप्त हो रही। जहाँ तक राष्ट्रपति की शासन का सवाल है महोदय,
20 जून 2018 को पीडीपी सरकार जो चल रही थी उसके पास समर्थन नहीं रहा, और इसके कारण इसके बाद और कोई पार्टियां भी सरकार बनाने के लिए वहां के राज्यपाल महोदय के सामने नहीं आई थी। तो जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत 6 माह के लिए राज्यपाल शासन वहां लगाया गया। राज्यपाल शासन लगाने के बाद 21 नवंबर 2018 को कई सारी सूचनाएं आई कि बहुमत आने की स्थिति भी नहीं है, और कुछ हॉर्स ट्रेडिंग की भी सूचनाएं राज्यपाल महोदय को प्राप्त हुई। इसके कारण 21 नवंबर 2018 को वहां की विधानसभा को भंग कर दिया गया। 1 दिसंबर 2018 को राज्यपाल शासन की अवधि समाप्त होती थी, विधानसभा अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए केंद्र सरकार ने राज्यपाल महोदय की अनुशंसा के आधार पर 356 का उपयोग कर 20 दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर के अंदर डालने का फैसला किया, और 3 जनवरी को राज्यसभा ने इसका समर्थन किया। आज जो मैं प्रस्ताव लेकर आया हूं उसको और 6 माह के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव है। कई सदस्यों ने लोकसभा में जब चर्चा की, प्रेस से भी बात करते थे कि चुनाव क्यों कराए नहीं जाते। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर प्रशासन, भारत सरकार और सभी दलों से बात कर और जम्मू कश्मीर की अभी की स्थिति और कुछ वहां के रिलीजियस कार्यक्रम और त्यौहार जो है उसको संज्ञान में लेकर, सुरक्षा की स्थिति को संज्ञान में लेकर ये निर्णय किया कि साल के अंत में चुनाव आयोग चुनाव कराना चाहता है। जब चुनाव आयोग इस साल के अंत में चुनाव कराना चाहता है तो राष्ट्रपति शासन को की अवधि को बढ़ाने के लिए अलावा सरकार के पास और कोई विकल्प रहता नहीं है। इसलिए मैं ये संकल्प लेकर आज उपस्थित हुआ हूं। 7 मई से 4 जून तक रमजान का माह था, 3 जून से 15 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलने वाली है, और गुर्जर बकरवाल भाई जो वहाँ की आबादी में करीब करीब 10% का हिस्सा रखते हैं वो पहाड़ियों पर अभी जाते हैं, और लगभग अक्टूबर के आसपास ही पहाड़ियों पर से नीचे आते आकर अपने मताधिकार का उपयोग कर पाए ऐसी स्थिति में आते हैं। तो कई दशकों से अक्टूबर के पहले जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं कराया गया है। ये सारी स्थितियों को ध्यान में रखकर चुनाव नहीं कराने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है, सबके साथ चर्चा कर लिया है। इसलिए महोदय, आज सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं है, ये राष्ट्रपति शासन को 6 माह तक और बढ़ाने के लिए, और मैं मानता हूँ सदन भी ये जो परिस्थिति जन्य सर्कमटेंसिस है, परिस्थिति से खड़े हुए जो स्थिति है उसको सदन अच्छे तरीके से समझेगा और राष्ट्रपति शासन के बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अपना अनुमोदन देगा। मोशन मूड दी स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन जम्मू एंड कश्मीर मूड बाय द होम मिनिस्टर। स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस मूड बाय श्री डी राजा एंड अदर्स एंड द बिल मूड बाय द होम मिनिस्टर इज नाउ ओपन फॉर डिस्कशन। मित्रों, आप सबको मालूम है हमने तय किया ये दोनों मिला के एक साथ चर्चा करना उपयुक्त होगा, इसलिए इसके लिए समय दे चुका है कुल मिला के 5 घंटे। 5 घंटे अपना पार्टी के बल के अनुसार सब पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बांटा है, उस हिसाब से हर एक पार्टी को अवगत कराया उनके पास कितना समय है उसको ध्यान में रख के अपना स्पीकर्स को नॉमिनेट करते समय किसको कितना समय देना आप लोग ही तय करें, नहीं तो अन्यथा यहाँ से फिर ये करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ सब लोग समय को सदुपयोग करके अपना अपना जो भी इसके ऊपर व्याख्या है व्याख्या करें, बिल्कुल समर्थन करें बिल्कुल विरोध करें, ये आप लोगों का चॉइस है, हमको कुछ लेना देना नहीं। मेरा प्रार्थना इतना ही है, डिस्कस डिबेट एंड डिसाइड, दैट्स ऑल।